जो 56 इंच का सीना जिसका है मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आखिर वो कहाँ गया? इतनी हिम्मत कहाँ गई? क्या इन लोगों के पास इतनी हिम्मत है, मौजूदा सरकार पर इतनी हिम्मत है जो चाइना को पूरा बेबाक तरीके से जवाब दे सके? जब 16 जून को भारत के 20 जवानों को चाइना की सेना ने शहीद कर दिया, लगातार चाइना की सेना फिंगर ऑफ फोर में अपने पेट्रोलिंग करता हुआ नजर आ रहा है। वही मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिसका 56 इंच का सीना है, वो ऑल पार्टी मीटिंग में इस तरीके की बयानबाजी करते हैं कि चाइना की सेना ने भारत की सीमा में किसी तरीके की कोई घुसपैठ नहीं की और कोई मौजूदगी सेना की वहां नहीं है। बिहार में मौजूदा विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसको लेकर के इस तरीके की देश में माहौल पैदा किया जा रहे हैं, उसको लेकर के इस तरीके की प्लानिंग देश में हो रही है और जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ चुनाव तक हो। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर चाइना अपने आप को साफ करने की कोशिश करता है और इस सब से पल्ला झाड़ने की कोशिश करता है कि देखो भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री ने भी इस तरीके की बयानबाजी की है कि चाइना ने कोई ऐसी हरकत नहीं की है। बेबाक सवाल जवाब करते रहेंगे क्योंकि मेनस्ट्रीम मीडिया तो पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है, पूरे तरीके से वो तो एक चापलूस बनकर एक चाटुकारिता की पत्रकारिता कर रहा है। आदाब, स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी का। चाइना लगातार अपनी नापाक हरकतें दिखा रहा है और लगातार सीमा पार अपनी मौजूदगी दिखा रहा है, लगातार भारत और चाइना की सेना के बीच में झड़प होती रही है। जिस तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार चीन की सेना अपने बंकर बना रहा है और चीन की सेना लगातार अपने बख्तरबंद गाड़ियों के साथ उनके सैनिक वहाँ तैनात नज़र आ रहे हैं और अपनी 1.5 महीने से वहाँ उन लोगों ने तैनाती कर रही है। उसके बाद मौजूदा सरकार इन सभी मामले को पूरी तरीके से नकारती हुई नज़र आ रही है, अपनी नाकामियों को दबाने के लिए इस तरीके की बयानबाजी हो रही है कि वहाँ किसी तरीके की चाइना की मौजूदगी नहीं है और इस तरीके से खबरें भी चला दी जाती हैं मेनस्ट्रीम मीडिया में कि वहाँ चाइना ने इस तरीके कोई घुसपैठ नहीं की है। आपको बता दें कि लगभग 1.5 महीने से ऐसी हरकतें चाइना दिखा रहा है और पूरे तरीके से चाइना के सैनिक और भारत के सैनिकों के बीच में ऐसी झड़प की खबरें सामने आ रही हैं। लगातार चाइना की सेना फिंगर ऑफ फोर में अपनी पेट्रोलिंग करता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी अपनी हद फिंगर ऑफ 8 हुआ करती थी, जो सीमा होती है उसके अकॉर्डिंग, वो अब 8 किलोमीटर अंदर भारत की सीमा के अंदर घुस गई है। फिर क्यों मौजूदा सरकार इन सब मामले को नकारने की कोशिश कर रही है, क्यों इस तरीके से बयानबाजी कर रही है कि चाइना की सेना ने हमारे देश में कोई घुसपैठ नहीं की है? 8 किलोमीटर अंदर भारत की सीमा में अपनी मौजूदगी दिखाने के बाद भी इस तरीके की बयानबाजी करना, ये अपनी नाकामियों को पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश करना ही तो है। आज की पूरी सेपरेट वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे कि मौजूदा सरकार का आखिर रवैया क्या है, दोहरा मापदंड क्या है, कहाँ गई इनकी कूटनीति, कहाँ गए इनका जो फॉरेन कंट्री पॉलिसी होती है, कहाँ गई वो? अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पिछले लगभग 45-50 दिन से चाइना नापाक हरकतें दिखा रहा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो फिंगर ऑफ 4 हुआ करती है उसके अकॉर्डिंग वहाँ फिंगर ऑफ 8 जो चाइना की सीमा हुआ करती है वहाँ से 8 किलोमीटर अंदर भारत की सीमा यानी फिंगर ऑफ 4 में चीन अपनी पेट्रोलिंग कर रहा है, अपने बख्तरबंद गाड़ियों के साथ वहाँ तैनाती कर दी है, अपने पूरे हथियारों के साथ लेस होकर के अपने वहाँ तंबू गाड़ दिए हैं। उसके बाद मौजूदा सरकार क्यों इन चीज़ों को नकार रही है? और जब सेना के जो बड़े डील करने वाले जो लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, जो मैनेजर होते हैं, जो वहाँ की सेना को डील करते हैं, वो आर्टिकल के माध्यम से, वो अपने इंटरव्यू के माध्यम से, अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से इस तरीके से सरकार को अवगत करा रहे हैं कि सेना लगातार अपनी नापाक हरकतें दिखा रहा है, भारतीय सीमा के अंदर लगातार वो अपनी मौजूदगी दिखा रहा है, मौजूदा सरकार इन सबको फिर भी क्यों नकार रही है? आपको बता दें जब 16 जून को भारत के 20 जवानों को चाइना की सेना ने शहीद कर दिया, उसके बाद मौजूदा सरकार हरकत में आती है और फिर उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग का आयोजन किया जाता है और बड़ी शर्मनाक और अफसोस की बात तो ये है कि वही सरकार, वही मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिसका 56 इंच का सीना है, वो ऑल पार्टी मीटिंग में इस तरीके की बयानबाजी करते हैं कि चाइना की सेना ने भारत की सीमा में किसी तरीके की कोई घुसपैठ नहीं की और कोई मौजूदगी सेना की वहाँ नहीं है और चाइना की कोई भी जो सेना है वो उन्होंने भारत की पोस्ट पर कब्जा नहीं किया है और फिंगर ऑफ फोर में चाइना की सेना ने आना तक गवारा नहीं समझा। ये किस तरीके की पॉलिसी है, किस तरीके की बयानबाजी है? जब बड़े लेफ्टिनेंट जनरल जो वहाँ डील कर रहे हैं, जो वहाँ गलवान वैली को डील कर रहे हैं, जो बड़े नज़दीक से उन पर पैनी नज़र रखे हुए हैं और पूरे तरीके से उस पर नज़र बनाए हुए हैं, तमाम जानकारी जिन लोगों के पास हैं, जो पूरे तरीके से साल टू साल वहाँ
पूरे अपने तरीके से चाइना की नापाक हरकतों को देख रहे हैं, उनके बयानबाजी को, उनकी बातों को मौजूदा सरकार पूरे तरीके से नकार रही है। उसके बाद 20 जवान शहीद हो जाते हैं, उसके बाद सरकार हरकत में आती है और फिर भी इस तरीके की बयानबाजी होती है कि चाइना की सेना ने वहाँ कोई मौजूदगी नहीं दिखाई। जब चाइना को ये पता चलता है कि मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑल पार्टी मीटिंग में इस तरीके की बयानबाजी की कि चाइना ने किसी तरीके की कोई घुसपैठ नहीं की और चाइना की सेना ने भारत के 20 जवानों को शहीद नहीं किया है और किसी पोस्ट पर कोई कब्जा नहीं किया है, तो चाइना की मेनस्ट्रीम मीडिया में इस तरीके की खबरें चल जाती हैं और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर चाइना अपने आप को साफ करने की कोशिश करता है और इस सबसे पल्ला झाड़ने की कोशिश करता है कि देखो भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री ने भी इस तरीके की बयानबाजी की है कि चाइना ने कोई ऐसी हरकत नहीं की है और किसी तरीके से भारत की सीमा में उन लोगों ने कोई अपनी मौजूदगी नहीं दिखाई है और भारत की सीमा के अंदर चाइना की कोई मौजूदगी नहीं रही, किसी तरीके कोई बंदर बख्तरबंद गाड़ियां नहीं वहां तैनात की गई, किसी तरीके की कोई पोस्टें वहां किसी पर कब्जा नहीं किया गया, इस तरीके की खबरें प्रकाशित हो रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपनी छवि को साफ करने की चाइना लगातार कोशिश कर रहा है। वही चाइना जिस पर आँख बंद करके विश्वास करना, उस पर ट्रस्ट करना, उस पर बिलीव करना बहुत बड़ा एक गुनाह है और बहुत बड़ी एक भूल होती है, वही चाइना अपने आप को सही और दुरुस्त साबित करने की कोशिश कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वही चाइना डोकलाम में जिस तरीके की हरकत उसके सामने आई और जो नेपाल जो भारत का एक छोटा भाई हुआ करता था, जिसको भारत ने एक छोटे भाई की तरह पाला था, वही नेपाल अब भारत को आंखें दिखा रहा है। इसके पीछे की सिर्फ यही क्रोनोलॉजी है, इस पूरे क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा और पूरे स्ट्रेटेजी को समझना पड़ेगा कि आखिर चाइना ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपने आप को दिखाने के लिए, अपना स्टेटस हाई लेवल का बनाने के लिए वो दोनों तीनों तरफ से अपनी नापाक हरकतें दिखा रहा है। तीसरी ओर जिस तरीके से पाकिस्तान भी चाइना के नक्शे कदमों पर चल रहा है और नेपाल भी चाइना की गोद में बैठ करके इस तरीके का खेल खेल रहा है और जिस तरीके से अभी उन्होंने अपने नक्शा भी पास कर दिया है, भारत के 300-350 किलोमीटर का एरिया को उन्होंने अपने नक्शे में शामिल करके पार्लियामेंट में उसको पास भी कर दिया है, ये सब नापाक हरकतें, सारी स्ट्रेटेजी, सारी क्रोनोलॉजी चाइना की ही तो है। उसके बाद भी जो 56 इंच का सीना जिसका है मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आखिर वो कहाँ गया, इतनी हिम्मत कहाँ गई, क्या इन लोगों के पास इतनी हिम्मत है, मौजूदा सरकार पर इतनी हिम्मत है जो चाइना को पूरा बेबाक तरीके से जवाब दे सके, भारत के शहीद सैनिकों का बदला ले सके और उनको अपनी सीमा के अंदर से खदेड़ सके और अपनी सीमा को, अपनी जगह को पूरे तरीके से खाली करा सके? नहीं है, क्योंकि ये लोग जब 20 सैनिकों की बलि दे सकते हैं और सैनिकों के नाम पर जब ये लोग वोट मांग सकते हैं, अपनी सत्ता को बचाने के लिए हर नापाक हरकत कर सकते हैं, उनको क्या मतलब देश पर कोई कब्जा कर रहा है कि नहीं, वो तो झोला उठा के चल पड़ेंगे, अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। मौजूदा सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है, विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है लेकिन सरकार कोई स्टैंड लेने को तैयार नहीं। जाति और धर्म के नाम पर जिस तरीके की राजनीति लगातार हो रही है यह आप सबके सामने है, जनता लगातार समझ चुकी है, लगातार जनता सारी एक्टिविटी को और जाति और धर्म की इस राजनीति को लगातार देख रही है। अब आने वाले वक्त में बिहार में मौजूदा विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसको लेकर के इस तरीके की देश में माहौल पैदा किया जा रहे हैं, उसको लेकर के इस तरीके की प्लानिंग देश में हो रही है और जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ चुनाव तक होता है, चुनाव के बाद पूरे तरीके से इस मामले पर बैन हो जाती है और हिंदू मुस्लिम का खेल पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। हम लगातार सरकार को बेपर्दा करते रहेंगे, पूरे तरीके से एक्सपोज करते रहेंगे, इस तरीके की बेबाक सवाल जवाब करते रहेंगे, क्योंकि मेनस्ट्रीम मीडिया तो पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है, पूरे तरीके से वो तो एक चापलूस बनकर एक चाटुकारिता की पत्रकारिता कर रहा है और पूरे तरीके से एक प्रवक्ता के तौर पर जवाबदेह बनता हुआ नजर आ रहा है। लगातार वो विपक्ष से सवाल कर रहा है, सरकार से, मौजूदा सरकार से सवाल क्यों नहीं करता है, अब भी तो वही मौजूदा सरकार है, वही भारतीय जनता पार्टी है, अब क्यों नहीं दे देती है ऐसा जवाब, अब क्यों नहीं बचा लेती अपनी जमीन को, अपने सरहद को और अपने शहीदों की बलि जिस तरीके से लोगों ने देने का काम किया है, जिस तरीके से अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपनी नाकामियों को दबाने के लिए इन लोगों ने जिस तरीके की बयानबाजी की, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जिस तरीके से भारत की छवि खराब करने की लोगों ने कोशिश की, वो आप सबके सामने है। लगातार ये लोग ट्रोल हो रहे हैं और इनकी सारी असली हरकतें
सबके सामने आ चुकी हैं। अब जनता बहकावे में नहीं आने वाली है, इस बार जनता सही तरीके से इन लोगों को समझ चुकी है। हम लगातार ऐसे बेपर्दा करते रहेंगे, लगातार बेबाक सवाल जवाब करते रहेंगे, सरकार की नाकामियों को उजागर करते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।